दिव्यांग दिवस है। इस अवसर पर राजस्थान में राजस्थान के मुख्यमंत्री आदरणीय गहलोत साहब ने 2000 स्कूटियों का आज वितरण किया है। उस 2000 में से 53 मिली है अपने अजमेर को, उसमें से 10 स्कूटी आज हमने वितरित की है, बाकी बाद में की जाएगी। ये स्कूटी निःशुल्क है और इनसे कोई चार्ज नहीं लिया गया है, रजिस्ट्रेशन सरकार की तरफ से होगा। और इसके साथ साथ उनकी यह मंशा है कि जो कैंप चल रहे हैं अभी प्रशासन शहर के संग और गांव के संग, उसके बाद किसी गांव ढाणी में कोई विकलांग ऐसा नहीं बचे कि जिसका सर्टिफिकेट नहीं बनाओ, उसके लिए उन्होंने हिदायत दी है। और आज जो माननीय मंत्री जी टीकाराम जी जुली इस VC में थे, उन्होंने सबको निर्देश दिए हैं कि डिपार्टमेंट के लोगों को, जिसमें सारे डिपार्टमेंट आ गए, कि कोई विकलांग सर्टिफिकेट बनने से वंचित नहीं रहे और कोई विकलांग सुविधा प्राप्त करने से वंचित रहे, चाहे पेंशन की बात हो, चाहे पालन की हार की बात हो और चाहे कोरोना काल के मौत के बाद की बात हो। तो आज मैं इस अवसर पर राजस्थान सरकार को, उनके मुख्यमंत्री जी को, माननीय जुली जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि उन्होंने अच्छा काम प्रारंभ किया। और मैं उम्मीद करता हूँ कि इसी प्रकार से राजस्थान, आज जैसा मुझे आज VC से पता पड़ा कि राजस्थान भारतवर्ष के अंदर दिव्यांगजनों के काम के अंदर नंबर 1 पर है। मैं विश्वास करता हूँ और आगे बढ़ेगा और हम नए नए नवाचार करके देश को दिशा देंगे, ऐसा इस अवसर पर मैं सभी दिव्यांग भाई बहनों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि वो सरकार की योजनाओं का